हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारा ओईएम ऑथराइजेशन लेटर, इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि ओईएम ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है, इसको कैसे बनाना होता है और किसको इशू करना होता है, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे ओईएम जो जैम पोर्टल पर अवेलेबल ही नहीं है, क्या वो लोग ओईएम ऑथराइजेशन लेटर इशू कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी समझेंगे। और लास्टली जो मैं आपको बताऊंगा सबसे मेन कि ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे होता है, क्योंकि बहुत से ओईएम को यही नहीं पता ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे होता है, तो लास्ट में हम ये भी समझेंगे ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे है। आज की ये वीडियो बायर्स के लिए भी है, ओईएम के लिए भी, रीसेलर्स के लिए। ओईएम्स को ये समझ आएगा कि कैसे आपको ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना है, और रीसेलर्स जिनको सबसे बड़ी ये कन्फ्यूजन होती है कि यार मैं जिस ब्रांड ओनर के साथ डील करता हूँ वो ब्रांड ओनर तो जैम पोर्टल में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मैं उसके प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकता हूँ और वो मेरे को ओईएम ऑथराइजेशन लेटर कैसे इशू करेगा। तो ये जितनी भी कन्फ्यूजन्स है और ओईएम ऑथराइजेशन लेटर कैसे बनाना होता है वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बनाऊंगा लेकिन डिटेल में बनाऊंगा, तो एंड तक टिके रहना, पूरी डिटेल में बात करेंगे हम ओईएम ऑथराइजेशन लेटर के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक ये समझते हैं कि ओईएम ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है। देखिए ओईएम की फुल फॉर्म समझिए, ओईएम की फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब ओईएम उन लोगों को बोला जाता है जो प्रोडक्ट को बनाने वाले होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए तो उन्हें कहा जाता है ओईएम, ठीक है। अब ओईएम ऑथराइजेशन मतलब ओईएम ऑथराइजेशन लेटर है तो बेसिक सी बात है ओईएम इशू करेगा, और ओईएम को क्यों इशू करना होता है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में मैक्सिमम जगह पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है कि या तो हम डायरेक्ट ओईएम से प्रोडक्ट परचेज करेंगे या अगर हम किसी रीसेलर से परचेज करेंगे तो वो रीसेलर ओईएम के थ्रू वेरीफाइड रीसेलर होना चाहिए, और वेरीफाइड होने का वेरीफाइड बोल लो या ऑथराइज बोल लो, तो वेरीफाइड या ऑथराइज होने का मतलब यही है, उसको आइडेंटिफाई इसी तरीके से किया जा सकता है कि ओईएम उसको एक ओईएम ऑथराइजेशन लेटर लिख के दे दे। ओईएम ऑथराइजेशन लेटर में सिंपली लिख के क्या देना होता है आपको कि भाई एक्स वाई जेड कंपनी को हमने अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑथराइज किया है गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे, या आप पर्टिकुलर किसी टेंडर के लिए कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मेट लिख के देना है कि एक्स वाई जेड कंपनी को पर्टिकुलर इस टेंडर नंबर में हमने पार्टिसिपेट करने के लिए ऑथराइज किया है, ठीक है। और पर्टिकुलर आप किसी स्टेट वाइज भी अपने रीसेलर्स को ऑथराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हुआ थोड़ा सा ओईएम ऑथराइजेशन के बारे में। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है हमारा कि रीसेलर्स के माइंड में और ओईएम्स के माइंड में भी ये कन्फ्यूजन मची होती है, ऐसे ओईएम जो गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पर अवेलेबल ही नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पर, क्योंकि वो कह रहे हैं हम भैया अपना लोकल मार्केट में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम जैम पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते। तो यहाँ पे रीसेलर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, रीसेलर के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये जब जैम पोर्टल पे आएगा ही नहीं तो तब तक मेरे को ओईएम ऑथराइजेशन लेटर देगा क्यों, ओईएम ऑथराइजेशन लेटर देगा कैसे। तो देखिए ये थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन है ओईएम रीसेलर दोनों को। तो ओईएम ऑथराइजेशन लेटर क्या है ना, कुछ कंडीशन में तो मैंडेटरी है कि अगर जैम पोर्टल पे जब तक वो ओईएम अवेलेबल होगा ही नहीं तब तक वो ओईएम ऑथराइजेशन लेटर किसी काम का नहीं है रीसेलर के लिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी है, अगर मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जिन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर जैम पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है लेकिन वो अपने एक लेटर पे लिख के दे दे कि भाई मैंने इस कंपनी को ऑथराइज किया है अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे सेल करने के लिए, तो वो वैलिड माना जाता है। अब वो क्या है, देखिए सबसे पहला Q1, Q2, Q3 ये चार क्वाड्रेंट है हमारे जैम पोर्टल पे। Q1 में तो हम सभी को पता है सिर्फ और सिर्फ OEM सेल कर सकते हैं, क्वाड्रेंट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप आई बटन पे क्लिक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्वाड्रेंट की वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी। पहला हम देखिए Q1 में सिर्फ और सिर्फ OEM काम करते हैं, रीसेलर कर ही नहीं सकते। Q2 कैटेगरी मतलब आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है जो हार्डवेयर है, NIT से रिलेटेड है या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मतलब कुछ जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं उनको Q2 कैटेगरी में डाला जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं जो जैम पोर्टल पे क्वाड्रेंट 2 की लिस्ट में आते हैं तो उस केस में, तो देखिए आपको उस केस में तो अगर आपका ओईएम जैम पोर्टल पे नहीं है तो उसका ओईएम ऑथराइजेशन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन जैम पोर्टल पे क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 भी कैटेगरी है, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 या कस्टमाइज काम जो होते हैं और BOQ काम जो होते हैं, कस्टमाइज का मतलब जो बहुत सारे टेंडर ऐसे निकलते हैं वो कस्टमाइज काम होते हैं, फैब्रिकेशन के होते हैं, पेंटिंग के होते हैं, डेंटिंग के होते हैं, तो उन केसेस में क्या है कस्टमाइज काम होने होते हैं। तो इन केसेस में क्या है, जो इनके ओईएम्स होते हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अगर गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे अवेलेबल नहीं है तो
तो भी आप अपने यहाँ पे अपने रीसेलर को, जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, अगर आपके पास कोई रीसेलर आता है कहता है जी मेरे को एक OEM ऑथराइजेशन लेटर दे दो, मैं जैम पोर्टल पे आपके प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो आप उसको सिंपली एक OEM ऑथराइजेशन लेटर लिख के दे सकते हैं, अगर आप उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो, कि भाई XYZ कंपनी को हमने ऑथराइज़ किया है हमारे प्रोडक्ट गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर ये सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर होगी कि भाई जो OEM जैम पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है वो भी ऑथराइजेशन इशू कर सकते हैं, मतलब ऑथराइजेशन लेटर वो इशू करते हैं। क्वाड्रेंट टू में ऑथराइजेशन कोड इशू किया जाता है विद लेटर, और Q3 Q4 में कोई कोड नहीं होता, रैंडमली एक ऑथराइजेशन लेटर दे दिया जाता है कि भाई XYZ कंपनी हमारे थ्रू ऑथराइज है ये गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे या अदर टेंडर्स में हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है जिसलिए हर कोई इस वीडियो पे आया है कि OEM ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे और सिक्योरली वेरीफाइड OEM ऑथराइजेशन लेटर कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए आपके OEM ऑथराइजेशन लेटर का, और अगर आप OEM है तो आपको भी कैसे अपना OEM ऑथराइजेशन लेटर बनाना है। अगर और आप मैन्युफैक्चरर हैं और अभी तक आपने जैम पोर्टल पे OEM पैनल नहीं लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन और OEM पैनल इन दोनों की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख के आप अपना इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और OEM बन सकते हैं जैम पोर्टल पे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और अब हम समझते हैं आपको OEM ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैंने एक OEM ऑथराइजेशन लेटर ओपन किया हुआ है, वो भी पॉपुलर ब्रांड का एसर का। इनकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है और इन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़, जो मैं बता रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी मेन पर्पज़ होना चाहिए आपके OEM ऑथराइजेशन लेटर को वेरीफाइड करने के लिए वो क्या होना चाहिए उसका भी ध्यान रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप ये मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको OEM ऑथराइजेशन लेटर बनाना है। बाकी OEM ऑथराइजेशन लेटर की एक वर्ड फाइल या एक सॉफ्ट कॉपी का फॉर्मेट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, OEM ऑथराइजेशन लेटर फॉर्मेट वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप अपना इजीली OEM ऑथराइजेशन लेटर बना सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो स्किप मत करना कि जी फॉर्मेट मिल गया चले जाए, पहले वीडियो समझो कैसे उस फॉर्मेट को यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी इस फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने पास एसर का OEM ऑथराइजेशन लेटर ओपन किया हुआ है कि देखिए ये कितना अच्छी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं OEM ऑथराइजेशन लेटर इशू करने के लिए। जैसे सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि भाई सेलर वेरीफाइड है नहीं है, कहाँ के लिए वेरीफाइड है, कहाँ के लिए वेरीफाइड नहीं है, किस किस काम की परमिशन है, और कोई और इनके फॉर्मेट को कॉपी ना कर सके, फेक डॉक्यूमेंट ना बना सके OEM ऑथराइजेशन लेटर, उसका भी ध्यान रखा है इन्होंने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपको फॉर्मेट मिलेगा सबसे ऊपर तो यही करना होता है हमें, टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑन गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस जीवन तारा बिल्डिंग, इस तरीके से लिखना होता है। सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा कि ऑथराइजेशन लेटर फेवर ऑन एसर रीसेलर ऑथराइजेशन कोड ऑन जैम, तो यहाँ पे एसर ना होके आपका आपके ब्रांड का नाम आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एसर, यहाँ पे एसर ना होके आप अपने ब्रांड का नाम मेंशन कर लेंगे। फिर सेम यहाँ पे भी आपका एसर की जगह आपका अपने ब्रांड का नाम आ जाएगा, यहाँ आपके ब्रांड का नाम, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम एंड यहाँ पे आपके ब्रांड का नाम, इस तरीके से मतलब जहाँ जहाँ इसमें एसर की वर्डिंग यूज़ की गई है वहाँ पे आपके आपका नाम आ जाएगा। और जैसे इन्होंने लिखा है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, तो आपका जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा वो कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस वाली लाइन पे। ठीक है, ये यहाँ पे इतना चेंजेस करना है आपको। एंड ऑथराइज टू मेंशन एसर रीसेलर, तो जो भी आपके ब्रांड का वो रहेगा रीसेलर उसको मेंशन कर देना, इस तरीके से पूरी बिट बन जाएगी। किन किन चीज़ों के लिए आप उनको वेरीफाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई जैम पे डायरेक्ट कोटिंग के लिए कर रहे हैं, बिड के लिए कर रहे हैं, आरए के लिए कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना स्पेसिफिक। कई बार होता है ना हम किसी रीसेलर को सिर्फ एक पर्टिकुलर बिड के लिए ऑथराइज करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको मेंशन करना है कि ये मैं पर्टिकुलर इस बिड के लिए मैं अब ऑथराइज कर रहा हूँ। आप ऑल ओवर प्रोक्योरमेंट के लिए कर रहे हैं ऑल ओवर प्रोक्योरमेंट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए एक तो अच्छा काम आपको यहाँ पे ये करना है अपने फॉर्मेट में कि भाई ऑथराइजेशन कोड नंबर, अगर Q2 कैटेगरी के आप तो Q2 कैटेगरी पहले OEM पैनल में तो कोड जनरेट करना है और फिर वो सेम कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कोड कैसे जनरेट करना होता है नहीं पता, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो आप देख के अपना कोड जनरेट कर सकते हैं। कंपनी का नाम, किसको ऑथराइज किया गया है, उसका एड्रेस, बिजनेस टाइप क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, किस लोकेशन के लिए ऑथराइज किया। अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि ऑथराइज बिजनेस टेरिटरी, कि भाई मैंने तो इस पर्सन को सिर्फ इस लोकेशन के लिए ऑथराइज किया है। कई बार क्या होता है, बिड है जम्मू कश्मीर की, बंदा ऑथराइज है यूपी के लिए जैम एसर ब्रांड से, उसने बिड में पार्टिसिपेट कर दिया और बायर भी क्या करते हैं कई बार उनको एक्सेप्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एसर कंपनी नहीं है, जो भी OEM है
उसने जो उसको ऑथराइज किया ना, पर्टिकुलर एक स्टेट या पर्टिकुलर एक टेरिटरी के लिए ऑथराइज किया है। हाँ, अगर यहाँ पे ऑल इंडिया लिखा होता कि यहाँ पे मेंशन होता ऑल इंडिया, ठीक है, तो ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं ऑथराइज रीसेलर है, आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा तो उसका ध्यान रखें। इसके बाद डेट जरूर आप किसी भी रीसेलर को ऑथराइजेशन लेटर इशू करें, डेट जरूर मेंशन करें कि ऑथराइजेशन लेटर कब इशू किया है आपने और किस डेट तक के लिए ऑथराइजेशन लेटर इशू कर रहे हैं आप अपने रीसेलर को, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट काम ये देखिए, ये है डिजिटली साइन बाय एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो दिख रहा है ना हमें डिजिटली साइन बाय एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। क्या है ना, अभी के टाइम में जो साइन स्टैम्प लगा के हम डॉक्यूमेंट्स पे देते थे वो तरीका हो गया फेल। हर कोई एडोबी या ऑनलाइन एडिटिंग कटिंग फोटोशॉप में क्या करते हैं, वो लोग साइन स्टैम्प को कॉपी करके कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादातर फेक एंड टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं ऐसे रीसेलर के थ्रू, जो रीसेलर ऑथराइज भी नहीं है कंपनी से। और इसमें नुकसान क्या हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है और जो ऑथेंटिकेटेड जेन्युइन रीसेलर्स है उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो कंपनी से ऑथराइज है ऑथेंटिकेटेड, बट जो कंपनी से ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज नहीं है वो भी इस तरीके की हरकत करके पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो अगर आप ओईएम है या अगर आप एक रीसेलर भी है तो ये ट्रिक हर किसी को यूज करनी है। आप कहीं पे भी अपना कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आप साइन स्टैम्प तो आप लगा रहे, चलिए बेटर चीज है, साइन स्टैम्प लगा दीजिए, लेकिन उसके साथ अपने प्रोडक्ट को डीएससी से साइन करें। अपनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट की जितने भी आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल्स है उन सभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल को डिजिटल सिग्नेचर, एक सर्टिफिकेट होता है पेन ड्राइव टाइप डोंगल होता है, और ये काफ़ी सस्ते दाम पे बन जाता है मार्केट से। डिवाइस सा होता है, जिस डिवाइस को जिसके पास वो डिवाइस होगा उस डिवाइस से ही वो ये साइनिंग हो सकती है। तो आप लोग क्या करें, आप जितने भी डॉक्यूमेंट इशू करें, ओईएम ऑथराइजेशन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई भी, चाहे आप रीसेलर है कोई भी है, आप बिड पार्टिसिपेट करने के लिए भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जितने भी, आप अपने साइन स्टैम्प तो लगाओ इस पे, लेकिन पीडीएफ बनाने के बाद उस पीडीएफ पे इस तरीके से डिजिटली साइन भी करो उसे, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन ज़्यादा रहेगी, वो क्लियरली दिख रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, यहाँ पे कोई भी टेम्पर्ड गिरी नहीं की गई है, यहाँ पे कोई चीज़ें फेक नहीं हुआ है। डीएससी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है ये भी नहीं पता, तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सारी चीज़ें इजी वे में, अगर आप ये सारे काम, जितने काम मैंने बताए आपको, ये सारे काम आपके वेल प्रोफेशनल एंड एक्यूरेट फॉर्मेटिंग में डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, और आपके डॉक्यूमेंट की कोई कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगा, और जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे वहाँ पे दिखेगा, हाँ भाई काम करने वाले पर्सन ने एक फॉर्मल तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाए हैं जिसको भी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये था बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपको ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना है, ओईएम ऑथराइजेशन होता क्या है, कौन इशू कर सकता है, कौन इशू नहीं कर सकता, तो ये सारे पॉइंट थे बेसिक से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।